उधर खबर है कि पुतिन से मिलने रूस पहुंचे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को पुतिन ने ना कह दिया। बताया गया कि शी जिनपिंग ने पुतिन से युद्ध खत्म करने के लिए कहा था, लेकिन पुतिन ने चीन का शांति प्रस्ताव ठुकरा दिया। यानी एक साल से जारी यूक्रेन के युद्ध पर पुतिन तो फुल स्टॉप नहीं लगाने वाले। वो जब तक यूक्रेन को हासिल नहीं कर लेंगे तब तक उस पर बम, गोले और मिसाइल बरसाते रहेंगे। पर यह भी कहा जा रहा है कि अंदर की बात यह है कि चीन ने पुतिन के आगे शांति प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए पेश किया था। पूरी दुनिया जानती है कि चीन इस जंग में पुतिन के साथ खड़ा है। रूस की तरह वो भी इस लड़ाई के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहा है। पुतिन के साथ ताजा मीटिंग में भी चीन ने रूस के साथ मिलकर एशिया में नेटो को टक्कर देने की बात कही। ऐसे में फिर भी रूस का यूक्रेन से लड़ाई रुकवाने का प्लान पेश करके उसने बस अपने आप को शांति दूत दिखाने की कोशिश की। इस बीच दिल्ली में उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला को भी राष्ट्रपति भवन में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुमार मंगलम बिरला अपने परिवार में पद्म पुरस्कार पाने वाले चौथे सदस्य बन गए, जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। कुमार मंगलम बिरला को ये पुरस्कार व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया। इससे पहले उनके परदादा घनश्याम दास बिरला को पद्म विभूषण मिल चुका है, जबकि उनके दादा को पद्म भूषण और उनकी मां राजश्री बिरला को भी पद्म भूषण मिल चुका है। उधर आर्थिक संकट से जूझ रहे देशों को कर्ज देने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मदद मिलने के बाद श्रीलंका ने भारत को शुक्रिया कहा। भारत और चीन ने श्रीलंका को सबसे ज्यादा कर्ज दिया है और भारत शुरुआत से ही श्रीलंका को IMF से मदद मिलने की वकालत कर रहा था। इसलिए जब IMF ने श्रीलंका को आर्थिक पैकेज देने का ऐलान किया तो राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भारत का धन्यवाद करना नहीं भूले। श्रीलंका अपनी आजादी के 7 दशकों का सबसे बुरा आर्थिक संकट झेल रहा है, वो दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है। ऐसे में IMF ने श्रीलंका को $290 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 24,000 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया है। लेकिन अहम बात यह है कि श्रीलंका को IMF से ये मदद बहुत पहले ही मिलने वाली थी। देरी इसलिए हुई क्योंकि श्रीलंका को सबसे ज्यादा कर्ज देने वाला चीन अड़ंगा लगा रहा था और भारत श्रीलंका को मदद मिलने की पैरवी कर रहा था। इतने फंदों में झूल कर भी प्राण है बाकी, गोया हमारे कई इम्तिहान हैं बाकी। सौबात की एक बात कही, मानव ने आग तो दूर दिया भी नहीं जला घर में, अभी धुएं के कई आसमान हैं बाकी। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का वक्त फिर होगा सौबात की एक बात का।